नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, अभी हम पटना में मौजूद है और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर प्रेम कुमार, जो सहकारिता, पर्यावरण, जलवायु और वन विभाग के मंत्री हैं। चलिए, हम इनसे बात करने जा रहे हैं कि अभी की जो स्थिति बनी हुई है झारखंड में, उसकी राजनीतिक, बिहार में उसकी राजनीतिक परिवेश क्या है और क्या लगता है मानसून सत्र में किस स्तर पर जो है विपक्ष का हंगामा रहेगा। इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे, अपने माध्यम से आप तक पहुँचाने का काम करेंगे। सर, नेशन 24 में सर, पहला सवाल है सर कि आगामी 22 तारीख से मानसून सत्र शुरू है, सर विपक्ष जोरदार हमला करने पे जुटा हुआ है, सर क्या कहना चाहेंगे? लोकतंत्र है जी, विपक्ष को अपनी आवाज कहने का अधिकार है जी। सरकार भी तैयार है, उनके हर सवालों का जवाब देने के लिए सरकार तैयारी में। जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि रुपौली में जो है जनता ने बीजेपी को, एनडीए को कहले बात, यूपीए को कहले बात को हटा के निर्दलीय को जिताने का काम किया, तो क्या इसका असर आगामी चुनाव जो 25 में होना है उसमें असर पड़ेगा? वैसा नहीं है, विभिन्न क्षेत्रों का अलग अलग सोच लोग उगाया करके है, वहाँ किन परिस्थितियों में रिजल्ट आए जो है उसका विषय हम लोग कर रहे हैं जा करके हैं। और आगे जब बाई इलेक्शन 4 जगह और होने जा रहे हैं, वहाँ एनडीए के प्रत्याशी विजयी होंगे, हम पूरी तैयारी से मैदान में जा रहे हैं। तो सर, बड़े स्तर पे किस मेमोरियल हॉल में आप लोगों ने समीक्षा बैठक बुलाए थे, जिसमें कि दिल्ली से भी कई नेता आए थे, तो उसमें क्या बातें हुई सर, किस तरह की रणनीति तय की गई इस बार आगामी चुनाव? कल की बैठक का उद्देश्य था पूरे बिहार स्टेट हमारी वर्किंग कमेटी है, उसको और विस्तार रूप में हम लोगों ने आहूत किया था बैठक जा करके। और माननीय प्रधानमंत्री जो तीसरी बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बने हैं, उनके उनका अभिनंदन था जा करके, और साथ साथ बिहार की जनता का अभिनंदन, कार्यकर्ताओं का अभिनंदन था करके, उनके प्रयास से तीसरी बार सरकार बनी और माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उसी को लेकर था। और आगामी जो कार्यक्रम जो हमारा है कि आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री चार जलवायु परिवर्तन हो रहा है, एक पेड़ माँ के नाम, तो हम लोग तय किया है कि हम लोग ने स्टार्ट किया 6 तारीख को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मतलब अवसर पर जा करके, और हमने शुरू किया था, और उसमें हम लोगों ने पौधा लगा रहे पूरे बिहार में हर बूथों पर। जो जलवायु परिवर्तन संकट है, पूरी दुनिया संकट का दौर से गुजर रही है, उससे निपटने के लिए हम लोग जो तय किया है, उसको कार्यकर्ताओं से अपील किया गया है 15 अगस्त तक सभी पार्टी के नेता, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता लग करके इसका पूरा करें, और आगे 2025 में एनडीए की सरकार बने उसके लिए कार्यकर्ताओं को आह्वान किया गया है, कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार हो जाए। आप लगातार दौरा कर रहे हैं पर्यावरण महोत्सव को लेकर, कितने क्षेत्र में गए सर, और क्या लगता है कि जंग जंगल जमीन की बात करें तो जो झारखंड अलग होने के बाद कितने स्तर पर जो है यहाँ पे क्षेत्र बढ़ा है? झारखंड बंटवारे के बाद बिहार में 7% वन क्षेत्र था जी, और माननीय मुख्यमंत्री जी के एनडीए सरकार के प्रयास बिहार में, और हमारे विभाग के अधिकारी जो है पर्यावरण विभाग के अधिकारियों का प्रयास जा करके, आज बिहार में वनों को बढ़ाकर हमने 15% कर दिया है। आगे 17 का लक्ष्य हमारा जा करके है, और निश्चित तौर पर आगे हम जो पूरे बिहार में 1 जुलाई से प्रारंभ हमने किया है, और हमारा अभियान है वन महोत्सव जो कर रहे हैं, आगे प्रखंड के लेवल पर करने जा रहे हैं, अब जिले में हम कर रहे हैं, आगे प्रखंड में करने जा रहे हैं, पूरे बिहार को हरा भरा बनाने की हमारी योजना है, ताकि पर्यावरण संतुलित रह सके और जो हीट वेव जो आया था उसको रोकने में मदद हो सके। 45 दिनों में 41 लोगों का हत्या हुआ है, क्या कहेंगे? मतलब सरकार लगातार समीक्षा कर रही जा करके है, और जहां पे अपराधी घटनाएं घट रही जा करके है, सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है, वैसे लोग अरेस्ट किए जा रहे हैं, उन पर स्पीड ट्रायल चलाने की योजना बनाई गई जा करके है, अपराधी बचेंगे नहीं जा करके, और हमारे पुलिस तंत्र जो है काफी एक्टिव जा करके है, घटना जो घट रही है, अंतर यही है, पहले सरकार जब आरेट हुआ करती थी तो वहां पर अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था, अपराधी बचाए जाते थे, आज संरक्षण नहीं दे रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं, और आगे भी बिहार में कानून का राज है वो रहेगा।